हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 24 एंड 25। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदी गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 24। ब्राह्मण महाराज परीक्षित के गुणों का वखान कर रहे हैं और आज श्लोक नंबर 24 में वे बहुत ही अद्भुत बात बता रहे हैं। वे कहते हैं सर्व सद्गुण महात्म्ये ईश कृष्ण अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययाति देवधार्मिकः। सर्वसद्गुण महात्म्ये ईश कृष्ण
अनुव्रतः रन्ति देव इवो धारो ययाति जीवधार्मकः सर्वसद्गुण महात्मे ईश कृष्ण मनोव्रतः रन्ति देव इवो धारो ययाति जीवधार्मिकः सर्वसद्गुण मतलब समस्त दैवी गुण उनके अंदर होंगे। महाराज परीक्षण महाराज की महिमा का बखान कर रहे हैं कि वो सारे सद्गुणों से महानवित होंगे। और आगे कहते हैं महात्म्य, ये महान इतने महान होंगे किस प्रकार, ईश कृष्ण मनोव्रत, सभी गुणों की महिमा में वो साक्षात कृष्ण के समान होंगे। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं, अर्थात कि इनके पास वो सारे गुण होंगे जो कृष्ण के अंदर हैं, इस प्रकार से वो गुणवान होंगे। वास्तव में उनके कहने का अर्थ ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होंगे, क्योंकि हम जिसका भी संग करते हैं वैसा ही हमारे अंदर वैसे ही गुण आते हैं। जिस जिसका हम संग करेंगे तो वैसे ही हमारे अंदर गुण आएंगे। तो यदि हम भगवान का संग करते हैं, और आज हम भगवान का संग कैसे कर सकते हैं, भगवान का संग, अभी महाराजा परीक्षित तो जन्म लेने से पहले ही उनको भगवान का संग साक्षात प्राप्त हुआ, और जीवन के अंत समय तक और अंतिम घड़ियों में भी वो भगवान का संग कर। वास्तव में भगवान का संग का मतलब ये नहीं है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हो, हमारे साथ खेले, हमारे साथ बैठे, और इसको भगवान का संग कहते हैं। भगवान का संग मतलब विस्मृति न हो, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। जीवन के हर क्षण में हम भगवान को स्मरण करें, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान की सेवा, ये अभिन्न है। तो यदि हम कंटिन्यूस भगवान से जुड़े रहेंगे तो बेशक हमारे अंदर भगवान षडैश्वर्य से युक्त हैं, और जो भक्त सदैव भगवान का चिंतन करता रहता है उसके अंदर भगवान के गुण आ जाते हैं। जैसे भगवान के बहुत सारे गुण हैं जिनमें सुंदरता, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। सुंदर मनुष्य या जीव क्यों लिखना चाहता है, ताकि वो सबको आकर्षित करे। अब सुंदर होने का यह अभिप्राय है कि हम दूसरों को आकर्षित करें, और कृष्ण क्योंकि सबको आकर्षित करते हैं इसलिए जो कृष्ण के गुणों का बखान करता है, जो भगवान कृष्ण के नाम को लेता है, जो भगवान के लीलाओं का बखान करता है, सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये ना केना प्रकार है वो लोग को आकर्षित करता है, कितने सारे लोग उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो जो भगवान का दूसरा गुण है ज्ञानी होना, तो जो भगवान को जानता है, भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको वास्तविक बुद्धि देता हूँ जो कंटिन्यूस मेरे नाम का स्मरण करते हैं। भगवान का गुण है वैराग्य, कि भगवान विरक्त रहते हैं, तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर भगवान के जैसे गुण आते हैं, उनको भी भौतिक वस्तु और व्यक्तियों में कोई आसक्ति नहीं होती है। भगवान का गुण है बलशाली, बल होने का मतलब ये है कि आप निर्भय हो जाओ, आपको किसी से डर न लगे। और एक भक्त भले भौतिक दृष्टि से हम देखें वो बहुत कमजोर हो, लेकिन उसे किसी का भय नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं अवश्य रक्षी भय कृष्ण। तो वास्तव में जो कृष्ण के संपर्क में आ जाता है उसके अंदर भगवान के सारे गुण आ जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सर्व सद्गुण महात्म्य ईश कृष्ण अनुव्रत, कृष्ण का शुद्ध भक्त होगा, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण के समान गुणवान हो जाता है। आगे कहते हैं रंति देव इवो उदारो, रंति देव महाराज के समान उदार होंगे। तो ये रंति देव महाराज कौन थे, उनके विषय में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताएंगे। और ययाति रिव धार्मक, ययाति महाराज के समान धार्मिक होंगे। तो इनके विषय में हमें श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इच्छा हो। अनुवाद, यह बालक
भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंती देव के समान तथा धर्म में यह महाराजा ययाति की भांति होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इच्छा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। भगवान का ये आदेश नहीं, भगवान की इच्छा भी है कि सब मेरी शरण में आए, क्योंकि भगवान जीवों को दुखी होना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। तो भगवान ने बड़े ही उत्साह के साथ अर्जुन को बोला कि मैं तुमको अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं आपको सारी गुहे चीजें बता दी, अब सब में जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता रहा हूँ। क्या? सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहम तो हम सर्व पापे भी हो, तुम बार बार दुखी हो रहे हो पापों के कारण, तुम्हें बार बार विभिन्न योनियों में तड़पना पड़ता है, तो अहम तो हम सर्व पापे भी हो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम भय मत करो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्भाग्यवश अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते, किंतु जो सचमुच बुद्धिमान है वह इस भव्य उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित हो जाता है। अब यहाँ पर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर ज्ञानी और अज्ञानी की बात बताई। इस संसार के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होंगे। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण वाले सारे ऐसे ही हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो तो निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अव्यक्त परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो आप कह रहे हो ना कि वो ज्ञानी है, आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्ञानी। भगवान तो क्या कहते हैं, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। आप मेरे नजदीक ज्ञानी कौन है, भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञानी कौन है, जो भगवान की शरण में जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो लोग तो अज्ञान के कारण भगवान के उपदेश को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है वो लाभान्वित होते हैं, भगवान के उपदेश को स्वीकार करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं, यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी। अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है, अतएव भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के ही समान योग्य बन जाता है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% दैवी गुण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर हम भगवान की संगति करते हैं तो भगवान के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे 78%। और भगवान की संगति कैसे करते हैं, भगवान के आदेशों का पालन करके। और भगवान के आदेश किस कहां से पता चलेंगे, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने साक्षात अपने आदेशों को बताया है। तो यदि हम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के आदेशों को पढ़ेंगे और उनका पालन करेंगे तो अवश्य भगवान की संगति से लाभान्वित होंगे। और श्री प्रभुपाद जी आगे कहते कि जिस प्रकार भौतिक संसार में भी हम देखें, जिसका गुण जिसकी संगति करते हैं उसका गुण हमें मिलता है, जो अग्नि के संपर्क में आएगा वो गर्म होगा, है ना, उसी तरह जो किसी ठंडी जगह पे संपर्क में आएगा तो ठंडा। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई भगवान की संगति में आता है तो उसके अंदर भगवान के गुण विकसित होने लगते हैं। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसकी उपस्थिति ऐसी संगति के लिए अनुभव की जाए। भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। अभी श्रील प्रभुपाद जी बोलते कि भौतिक वस्तु की तरह नहीं जैसे हम संगति करते हैं, भगवान तो हर काल में है। संभव है कि केवल उनके आदेश का पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान एवं उनका आदेश तथा भगवान एवं उनका नाम यश गुण तथा साज सामान परम ज्ञान होने के कारण
उनसे अभिन्न है, भगवान से, भगवान का नाम गुण यश हर चीज भगवान से अभिन्न है। तो हम किसी का भी संग कर रहे हैं मतलब भगवान का ही संग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान के आदेश श्रीमद् भगवद गीता को सुन रहे हैं, तो समझो हम कृष्ण का संग कर रहे हैं। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपनी अमूल्य जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान की संगति में रहे, अतएव उन्होंने भगवान के सारे अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतया अर्जित कर लिए थे। इसलिए यहाँ पर गया कहा गया क्या, सर्व सद्गुण महात्म्य ईश कृष्ण मनोव्रत, क्योंकि कृष्ण की संगति की थी इसे कृष्ण के गुण प्राप्त कर लिए थे। आगे जो हमारे श्लोक में आया है रंति देव इवो दारु, उसके विषय में श्लोक रूपा जी बताते हैं। रंति देव ये महाभारत काल में भी महाभारत काल से भी पहले के प्राचीन राजा हैं। इनका उल्लेख नारद मुनि के संजय को उपदेश देते हुए किया गया था। जैसा कि महाभारत से ज्ञात होता है कि द्रोण पर्व में 67 अध्याय में ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने के लिए विख्यात थे। अब यहाँ पर क्या बताया, रंति देव इवो धारु, यानी उधार थे बहुत। उधार का मतलब होता है कि वो मतलब सबको बहुत ज्यादा दान देते थे, उधार का मतलब उधार थे बहुत। और यहाँ पर जैसे बताया कि भोजन वितरण करने में विख्यात थे, सबको भोजन वोजन खिलाते थे बहुत ज्यादा। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी उनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की है। अभी शास्त्र में भगवान भी उनके आतिथ्य की प्रशंसा करते हैं। विशिष्ट मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिसी से वे स्वर्ग लोक गए। वे ऋषियों को फल कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। वो ऋषियों, वो क्षत्रिय थे और ऋषियों की बहुत सेवा करते थे, बहुत मेहमान नवाज थे, आतिथ्य मतलब सारे जो भी उनके घर पे अतिथि आते थे उनका बहुत ही सादर सत्कार करते थे। और इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि वे जन्म से ही क्षत्रिय थे, जन्म से यद्यपि वो क्षत्रिय थे किंतु उन्होंने कभी भी मांस भक्षण नहीं किया था। उन्होंने विशिष्ट मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ था। विशिष्ट मुनि मतलब वो ब्राह्मणों के बहुत ज्यादा आतिथ्य करते थे और वो पवित्र रहते थे। हालांकि क्षत्रिय होते हैं वो शिकार करते हैं जानवरों का, लेकिन ये हमेशा से वेजिटेरियन थे। और विशिष्ट मुनि का उन्होंने बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया था और विशिष्ट मुनि ने उनको यह आशीर्वाद दिया था कि आप स्वर्ग लोक जाओगे। वे उन राजाओं में से हैं जिनका स्मरण हर प्रातः तथा संध्या समय किया जाता है। बहुत ही पुण्यवान राजा थे। अब उसके बाद हम बताया गया है ययाति रेव धार्मिक, तो महाराजा ययाति के समान धार्मिक होंगे। अब महाराजा ययाति के विषय में श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ययाति ये विश्व के महान सम्राट तथा आर्य भारोपीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। ये जो हम यदुवंश कहते हैं ना, जो जैसे भगवान श्री कृष्ण वालों का यदुवंश है और दूसरे भी कुल हैं जैसे भोज वंश हैं और पूर्व वंश हैं, ये सारे वंश जो हैं वो ययाति महाराज के कुल से आए हैं। जो यदु है ना महाराज यदु, वो भी ययाति महाराज के पुत्र थे। और दूसरा जो पूर्व है पुरु महाराज है, वो भी उनके पुत्र थे। तो उन्हीं से ये सारे ज्यादातर जो भी यहाँ पर बताया ना श्रील प्रभुपाद जी ने कि समस्त महाराष्ट्रों के आदि पूर्वज हैं। ये महाराज नहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के इसके मुक्त योग हो जाने पर विश्व के सम्राट बने थे। उन्होंने कई हजार वर्ष तक राज्य किया और अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य किए जिनका इतिहास साक्षी है।
बहुत हजारों साल तक उन्होंने राज किया था और बहुत ही पुण्य कर्म किए थे, लेकिन उन्होंने जब वो यौवन थे तब उन्होंने मतलब थोड़ा ऐसे था, वासना पूर्वक उनका जीवन था। इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत ही वासनामय तथा प्रेमपूर्ण कहानियों से भरा हुआ था, वे देवयानी के प्रेम पाश में फंस गए थे जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। अब शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था देवयानी, और उसकी एक सखी थी उसका नाम था श्यामसटा। तो ये दोनों एक बार उन्होंने देखा, मतलब महाराजा ययाति आ रहे थे वन से और देवयानी और श्यामसटा उस तरफ से आ रहे थे। तो देवयानी को जब महाराज ने देखा तो उनसे प्रेम हो गया उसको, और श्यामसटा ने जब महाराज को देखा तो उन दोनों से ही प्रेम हो गया महाराज को। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी देवयानी, उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पहले उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह कर सकता था। वे विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे। उसने बोला नहीं, मैं तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की पुत्री हो ना, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार जनसंख्या जो है वो वर्ण संकर होती है। लेकिन उनके पिता शुक्राचार्य थे, तो देवयानी ने अपने पिता को बोला कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ राजा ययाति से, और अगर इससे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो फिर शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसके साथ शादी करो। देवयानी की सखी श्यामसटा थी जो राजा से प्रेम करने लगी थी, अतएव वह अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई थी। अब जैसे देवयानी का विवाह हुआ तो उसकी जो सखी थी ना श्यामसटा, वो भी उसके साथ गई। शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वह श्यामसटा को अपने शयन कक्ष में ना बुलाए, लेकिन ययाति उनके आदेशों को दृढ़ता से पालन ना कर सके। उन्होंने चुपके से श्यामसटा से भी विवाह कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। उनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे श्यामसटा से और दो पुत्र उत्पन्न हुए थे देवयानी से। जब इसका पता देवयानी को चला तो उसने अपने पिता से शिकायत की। ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त था। फिर क्या हुआ, जो इसकी पत्नी थी देवयानी, उसको बहुत गुस्सा आया कि ये ना श्यामसटा के साथ भी प्रेम करता है और उसके साथ भी विवाह कर दिया। तो जो देवयानी थी वो नाराज होकर अपने पिता के पास चली गई और अपने पिता से ययाति महाराज की शिकायत की। अतएव जब वे अपने श्वशुर के घर से उसे बुलाने गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर श्राप दे दिया, उसको श्राप दे दिया कि तुम बहुत घमंड है ना तुमको अपनी जवानी पर, हर किसी के साथ प्रेम करते रहते हो, तो मैं तुमको उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया, वो बूढ़े हो गए थे। यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर श्राप दे दिया और वह नपुंसक हो जाए। ययाति ने अपने श्वशुर से विनती की कि वो श्राप को वापस ले ले। ययाति महाराज ने कहा कि देखो, मैं आपकी पुत्री का पति हूँ, आपकी पुत्री तो कितनी जवान है और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, तो हम लोग किधर भी जाएंगे तो लोक में कितनी आपकी निंदा होगी कि महाराज शुक्राचार्य को अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढना भी नहीं आया, इतने बूढ़े के साथ उसका विवाह कर लिया, और हमारी अभी तक काम इच्छा भी पूरी नहीं हुई है, संतुष्ट नहीं हुए हम लोग, तो आपने अभी से मुझे ये बूढ़ा बना दिया, तो आप ऐसा करो मुझे वापस से जवान बना दो। बहुत विनती की, लेकिन मुनि ने ययाति को यौवन लौटाने की शर्त के तौर पर उनसे कहा कि वे अपने पुत्रों का यौवन लेकर उन्हें वृद्ध एवं नपुंसक हो जाने दें, कि आपके देखो पांच पुत्र हैं ना, तो उनमें से यदि कोई एक पुत्र अपनी जवानी की बदली में, मतलब आपको जवानी दे दे और आपका बुढ़ापा स्वीकार करे और नपुंसकता स्वीकार करे, तो वापस से तुम सही हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते। तो फिर महाराज ययाति ने अपने सारे पुत्रों से बहुत विनय किया, बहुत बोला कि देखो, तुम मैं तुम लोगों का पिता हूं ना, तो तुम में से कोई
एक एक पुत्र के पास कहा कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, लेकिन उन्होंने सबने मना कर दिया। महाराजा यदु ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं आपको अपनी जवानी देना चाहता, क्योंकि उन्होंने महाराजा यदु ने इसलिए मना किया था क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि मैं आपको अपनी जवानी दे दूंगा तो उस जवानी से तुम मेरी माता के साथ संभोग करोगे, तो इससे अपराध लगेगा। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये जवानी अगर मेरे पास होगी तो मैं और भी भगवान की भक्ति करूंगा तो आपका कल्याण होगा, आपको जवानी देने से आपका कल्याण नहीं होगा। तो सारे पुत्रों ने पहले मना कर दिया गया, फिर बाद में उनको महाराजा पूर्व जो उनके पूर्व पुत्र थे छोटे वाले, उन्होंने बाद में एक बहुत समय के बाद दी थी जवानी। तो यहाँ पर बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि उनके पांच पुत्र थे, एक यदु, दो तुर्वसु, नंबर तीन द्रुहयु, चार अनु तथा पांच उरु से क्रमशः पांच विख्यात वंशों का उद्भूत हुआ है। एक यदु वंश, दूसरा यवन यानी तुर्क वंश, नंबर तीन भोज वंश और मलेच वंश ग्रीक तथा पौरव। ये सारे वंश विश्व भर में फैल गए, वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग लोग पहुंच गए। अभी उन्होंने पुण्य बहुत सारे किए थे, मतलब बहुत समय तक यज्ञ किए थे राज, तो स्वर्ग में पहुंचे थे, लेकिन आत्म विज्ञापन तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहां से नीचे आना पड़ा। मतलब वहां पर बहुत आलोचना करते थे कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, फिर वो वापिस से उनको नीचे आना पड़ा। और उनके पतन के बाद उनकी कन्या तथा पौत्र ने उन्हें अपने सारे संचित पुण्य प्रदान किए और अपने पौत्र की तथा अपने मित्र शिबी की सहायता से वो पुनः स्वर्गलोक में पहुंच सके, जहां वे यमराज की सभा के सदस्य बने और भक्त के रूप में वहीं रहते रहे। यहाँ पर हमने कल भी पढ़ा था ना, महाराज शिबी ने उनको सहायता की थी स्वर्ग जाने के लिए, और दूसरा उनके पौत्र और उनकी कन्या ने अपने सारे पुण्य उनको दे दिए थे कि आप ना स्वर्ग में जाओ। फिर उनके पास पुण्य बहुत ज्यादा हो गए थे, उसके बाद वो स्वर्ग। तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि हमारे जो अगर पूर्वज पुण्य कर्म करते हैं और हमें उनका फल प्रदान करते हैं तो फिर हम उनके द्वारा भी स्वर्ग लोक जा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम माला कर रहे हैं, वो हम उसको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी हमें आधारित नहीं रहना चाहिए। पता नहीं कोई हमारे लिए कोई माला करे नहीं करे, हमारे लिए कोई पाठ रखे भगवदगीता या भागवतम का, तो इससे बेहतर है हमें खुद ही अपना अपना कर लेना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे, उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त हस्त दान दिया, बहुत ज्यादा दान दिया। वे अत्यंत ही प्रभावशाली राजा थे, सारे विश्व में उनका दबदबा था। जब वे काम वासना से 1000 वर्ष तक अत्यंत पीड़ित रहे तो उनके सबसे छोटे पुत्र ने उन्हें अपना यौवन प्रदान किया। फिर उनके मतलब 1000 साल तक वो काम वासना से पीड़ित रहते थे, लेकिन क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया था, वो बूढ़े हो गए थे, नपुंसक हो रहे थे, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी पीड़ा और भी बढ़ रही थी। फिर उनके पुत्र ने उनको अपने यौवन दिया, लेकिन जब उनको यौवन दिया तब उनको अपने आप से घृणा आने लगी कि मैंने इतनी घृणित वस्तु के लिए अपने पुत्र को है ना नपुंसक बना दिया, मैं 1000 साल तक तड़पता रहा, इससे बेहतर था कि मैं बैठ के भगवान की भक्ति करता, ना मैं तो ना दुनिया का रहा, ना मतलब कुछ भी मैंने नहीं किया अपने जीवन में, केवल काम वासना के लिए तड़पा। तो अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र पोरु को उसका यौवन लौटा दिया, बोला नहीं चाहिए मुझे, आपका यौवन ले लो। और उन्होंने पोरु को राज्य भी सौंपना चाहा, लेकिन उनके दरबारी तथा प्रजागण इसके लिए राजी नहीं हुए। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पोरु की महानता का बखान किया तो वे उसे राजा स्वीकार करने के लिए राजी हो गए, और इस तरह सम्राट ययाति ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर ग्रह त्याग कर वन चले गए। तो ये थे महाराज ययाति, और इनके ऐसे ब्राह्मण गण यह बता रहे हैं ययाति रेव धार्मिक, कि वो बाद में जैसे धार्मिक बन गए थे, सारी चीजों से आसक्ति से खत्म हो गया था, इस प्रकार से धार्मिक बनेंगे। तो आगे कहते हैं ऋषिगण, धृत्या बलि समः कृष्णे प्रहलाद
इव सद्ग्रहः आहतैषोष्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रहः आहर्तैषोष्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रहः आहर्तेषोष्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः धृत्या अर्थात धैर्य में किसके समान होंगे? महाराजा बलि के समान होंगे। महाराजा बलि जो है उन्होंने किस प्रकार से राज किया था, उन्होंने किस प्रकार से धैर्य रखा था, इसकी कोई मिसाल नहीं। जब उन्होंने वामन भगवान को 3 पेड़ पर पृथ्वी देने के लिए संकल्प लिया, तब उनको गुरु डांटने लगे। ऊपर से जब वो 2 पग में सब कुछ भगवान ने नाप लिया, तो उसके पास भगवान के पास 3रा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो भगवान भी उसको डांटने लगे कि झूठे हो तुम, मक्कार हो तुमने, जब तुम्हारे पास धन नहीं था, जब तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं था, तो क्यों मुझे वचन दिया, अब मैं बताओ 3रा पग कहाँ पे रखूं। सब ने बस न की, भंडवा दिया, परंतु महाराज बलि का मन भगवान से नहीं हटा। वो कह रहे थे कि मैं भगवान को संतुष्ट करके रहूं। तो यहाँ पर धैर्य भगवान की, मतलब यहाँ पर बता रहे धृत्या बलि समः, वो धैर्य में महाराज बलि के समान होंगे। और कृष्ण प्रहलाद इव सद्ग्रह, और कृष्ण में इनकी मति वैसे होगी जैसे प्रहलाद महाराज की। मतलब प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने संकट आए, कितनी टेस्टिंग आई, लाखों प्रयास किए गए कि प्रहलाद महाराज जय हिरण्यकशिपु बोले, परंतु प्रहलाद महाराज के मन से जय श्री हरि के अतिरिक्त कभी और कोई शब्द ध्वनि निकली नहीं। तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज की मति भगवान कृष्ण के चरण में लगी हुई थी, उसी प्रकार इनकी भी लगेगी। और आहरते अश्वमेधान, अश्वमेध यज्ञ करने वालों में, मतलब अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा और वृद्धानाम पर्युपासक, और वृद्धों और ज्ञानियों का उपासक होगा, यानी कि उनको बहुत ही आदर सम्मान लेगा। अनुवाद देखिए, यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा, और यह प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। धृत्या बलि समः, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बलि महाराज ये भगवान की भक्ति के 12 अधिकारियों में से एक है, जो 12 महाजन हैं, उनमें से एक है। ये भक्ति के अधिकारी महाभागवत इसलिए बने क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सर्वोच्च नौछावर कर दिया और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर दिया था, क्योंकि गुरु ने भगवान की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी। यहाँ पर बताते हैं देखो, बलि महाराज महाभागवतों में से एक है। महाभागवत का क्या मतलब होता है कि उन्होंने जो बता दिया उसको यदि हम फॉलो करेंगे तो अवश्य कृष्ण प्राप्ति होगी, और उन्होंने महाराज बलि ने ये साबित किया अपने जीवन से कि यदि आपको गुरु सही शिक्षा नहीं दे रहा है, कृष्ण की भक्ति करा नहीं रहा है, अपनी भक्ति करा रहा है, आपका मन कृष्ण के अतिरिक्त किसी और चीज में लगा रहा है, या कृष्ण को सर्वस्व न्यौछावर करने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसी
समय त्याग कर देना चाहिए उस गुरु को। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे क्योंकि गुरु ने भगवान की सेवा करने में सर्वस्व न्यौछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी, इसलिए उन्होंने अपने गुरु का भी संबंध विच्छेद कर दिया था। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति की अहितुकी अवस्था प्राप्त करना है। क्या परफेक्शन है भगवान धार्मिक जीवन की सिद्धि क्या है, परफेक्शन क्या है कि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक कोई भी संसार की बाधा को हम बीच में नहीं ला सकते। हम ये नहीं कह सकते थे इस वजह से नहीं, भगवान की अहितुकी भक्ति की अवस्था प्राप्त करना है, चाहे उसके बीच में कितने ही बाधाएं आए उसको तोड़कर हमें भगवत भक्ति की अहितुकी अवस्था तक पहुंचना है। हम किसी बहाने को लेकर ये नहीं कह सकते इस वजह से मैं भक्ति नहीं कर सक रही हूँ, इस वजह से मैं भगवान के आदेशों भगवत गीता को श्रवण नहीं कर सक रही हूँ, इस वजह से मैं भागवतम को श्रवण नहीं कर सकती हूँ, इस वजह से मैं जप कम्प्लीट नहीं कर सक रही हूँ, इस वजह से मैं मंगल आरती नहीं कर सकती हूँ। आपको परफेक्शन चाहिए भक्ति में तो कोई भी कारण नहीं होना चाहिए आपको उस तक पहुंचने के लिए। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, गुरु महाराज के आदेशों को पालन करना है, जो शुद्ध गुरु महाराज जो आपको भगवान की भक्ति का आदेश देते परंपरा से आ रहे हैं उनका, और शास्त्रों का अध्ययन करना है और अपना जप संख्या जो भी हमारे रूल्स हैं उसको पूरा करने हैं, इसी से सिद्धि प्राप्त होती है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते भले महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व त्याग देने के लिए कृत संकल्प थे और उन्होंने किसी प्रकार की अर्चन की परवाह नहीं की थी। ये अन्य महाभागवत प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, बलि महाराज तथा विष्णु वामन देव के साथ उनके आचरण की कथा श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद अध्याय 11 से लेकर 24 में वर्णित होगा। तो अब जब हम लोग अष्टम स्कंद पढ़ेंगे तो बड़े ही विस्तार से श्रील प्रभुपाद जी और वेदव्यास जी हमें बताएंगे इनके विषय में कि किस प्रकार उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर अर्चन को की परवाह नहीं की थी। आगे कृष्णे प्रहलाद एव सत्ग्रह, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज प्रहलाद वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। अभी वे केवल 5 वर्ष के ही थे कि उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने भगवान का अनन्य भक्त होने के लिए उन्हें कठिन दंड दिया। वे हिरण्यकश्यपु के प्रथम पुत्र थे और उनकी माता कयादु थी। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि उनके पिता का वध नरसिंह देव ने किया था। इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत होता है कि यदि पिता बाधक बने तो उससे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बलि महाराज हुए जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। तो इनके विषय में विस्तार से तो हम 7वें और 8वें स्कंद में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हम परीक्षित महाराज के गुणों का यहाँ पर ब्राह्मण बखान कर रहे हैं कि उसके अंदर कितने सारे गुण हैं। सारे जो विशेष गुण होते हैं वो सब जो राजा में होने चाहिए या जो एक महान व्यक्ति में होने चाहिए वो सारे उनके अंदर हैं। आगे भी बताएंगे, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।